And it's officially confirmed that Sara Ali Khan will be Ranveer Singh's Simba girl. जी हाँ, अब तक कई नामों पर सोच विचार करने के बाद फिल्म सिम्बा के डायरेक्टर रोहित शेट्टी और प्रोड्यूसर करण जौहर ने सारा अली खान को फाइनल कर लिया है और इस बात का ऐलान धर्मा प्रोडक्शन के ट्विटर हैंडल से किया गया है। अ स्टनिंग फ्रेश फेस प्लस द अनलिमिटेड एनर्जी ऑफ अ सुपरस्टार प्लस द क्राफ्ट ऑफ द टू बिगेस्ट फिल्म मेकर्स इज इक्वल टू ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी। आपको बता दें कि सिम्बा के लिए फिल्म मेकर्स बीते कई दिनों से एक्ट्रेस की तलाश में थे। इससे पहले इस फिल्म के लिए श्रीदेवी की डॉटर जानवी कपूर को साइन करने की खबरें सामने भी आई थी, लेकिन आखिरकार ये फिल्म सैफ की बिटिया को ही जाकर मिली। हालांकि करण जौहर ने पहले भी इस फिल्म के लिए सारा अली खान को अप्रोच किया था, लेकिन उन दिनों सारा फिल्म केदारनाथ की शूटिंग में बिजी थी और उन्होंने इस फिल्म के लिए ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि फिलहाल वो सिर्फ केदारनाथ पर ही फोकस करना चाहती है। लेकिन अब फिल्म केदारनाथ के बीच में खटक जाने पर सारा ने वापस सिम्बा के लिए हाँ कर दी। आपको बता दें कि सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ कंट्रोवर्सी के चलते अटक गई है, इसलिए सारा अली खान ने मौके की नजाकत को समझते हुए करण जौहर और रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा के लिए हाँ बोल दी और अगर सब ठीक रहा तो सारा अली खान की ये डेब्यू फिल्म बन सकती है। वेल, सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ सारा को देखना विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सिम्बा रिलीज हो रही है 28 दिसंबर 2018 को, सो आप बताइए सारा और रणवीर के फ्रेश पेयर को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं?